सुगत स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। साथियों नंबर कहने वाले पोकेमॉन सीन 16 की टाइमिंग क्या हो सकती है मारो ले छुपे से। चलो लोगों को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। सुगत मैं पहले बता देता हूँ कि जो टाइमिंग का शेड्यूल होगा उससे मैं सिर्फ 3 सीजन के बेस पे करने वाला हूँ, सीजन 14, 15 और 17। क्योंकि जो एक साल मतलब एक साल के अंदर अंदर जो सीजन आया वो यही 3 सीजन है, तो इन्हीं के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे कि भाई इनके बेस पे पोकेमॉन सीजन 16 की टाइमिंग क्या हो सकती है। चलो हम बात करते हैं पहले शेड्यूल के ऊपर। तो भाई पहला शेड्यूल हो सकता है ओवरनाइट का। तो भाई ओवरनाइट में आप लोगों को याद होगा कि जो हमारा पोकेमॉन सीजन 14 था वो सबसे पहले ओवरनाइट में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मतलब 2 दिन ओवरनाइट चला था, उसके बाद तो एंड हो ही गया था। उसके बाद उसका शेड्यूल बाद में चेंज हुआ था, लेकिन सीजन 14 ओवरनाइट में स्टार्ट हुआ था। तो भाई पहला शेड्यूल तो निकल के आता, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि अभी हमारे डिज्नी ने ओवरनाइट एकदम बंद कर दिया। पोकेमॉन ओवरनाइट, पोकेमॉन ओवरडे, सुपर हंगामा, मतलब सुपर हंगामा नहीं, सुपर नाइट, सुपर मॉर्निंग, ये सब बंद कर दिया है डिज्नी ने। तो इसके बहुत कम चांसेस है, इस टाइमिंग के बहुत कम चांसेस है। सेकंड टाइमिंग हमें निकल के आती है 11 से 12 बजे के बीच में। तो आप लोगों को याद होगा कि जो हमारा पोकेमॉन सीजन 14 था वो ओवरनाइट के बाद स्टार्ट हुआ था सुबह 11 से 12 बजे के बीच में। तो ये टाइमिंग भी बहुत कम चांसेस है क्योंकि उस टाइम डिज्नी को इससे बहुत कम टीआरपी मिली थी, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस होती थी और अभी के टाइम पे स्कूल्स होते हैं जो कि काफ़ी सारी जगह पे अनलॉक हो चुके हैं। तो इस वाले शेड्यूल पे भी डिज्नी नहीं रखेगा क्योंकि उसे पता है कि उसको टीआरपी नहीं मिलेगी। जो थर्ड टाइमिंग निकल के आती है वो आती है हमारी अभी तक की सबसे बेस्ट टाइमिंग, जो कि 3 से 5:30 बजे तक। वैसे तो उन्हें 3 से 4 बजे तक रखनी चाहिए, लेकिन अभी के टाइम पे जो सीजन 17 और सीजन 15 आया उनकी टाइमिंग यही थी 3 से 5:30 बजे तक। तो भाई ये टाइमिंग सबसे ज्यादा चांसेस है कि पोकेमॉन सीजन 16 हमें इस टाइमिंग पे देखने को मिलेगा। और भाई हमें कब तक देखने को मिलेगा, तो भाई हमें देखने को मिलेगा अप्रैल से पहले पहले, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सुपर हंगामा डिले हो चुका है 1 जून तक। अब इतना ज्यादा डिज्नी वेट नहीं करेगा कि हाँ 1 जून आए उसके बाद हमको नया सीजन लगाए, क्योंकि इससे पोकेमॉन की रीच पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा और पोकेमॉन की रीच ऑडियंस सब चली जाएगी, जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत और बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिल सकता है डिज्नी को। इसलिए वो जल्दी से पोकेमॉन सीजन 16 हमें दिखाना चाहती है, बट जब डब ही नहीं होगा तो हमें कहाँ से दिखाएंगे। अभी आप लोगों को पता है कि तेलुगु तमिल में तो कंफर्म डब हो चुका है, लेकिन बस हमारा हिंदी डब, इससे भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि हिंदी में डब हुआ है कि नहीं। तेलुगु और तमिल की तरफ से दोनों से ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है कि यहाँ पोकेमॉन सीजन 16 पूरा डब हो चुका है, लेकिन हिंदी से अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, नहीं आई ऑफिशियल, ना किसी डबिंग आर्टिस्ट ने स्टोरी ना कोई पोस्ट लगाई। हाँ एक टाइम पे केतन कावासन ने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें हमें दिखाया गया था कि वो एक्साइटेड है डबिंग के लिए। अब वो भी दो तरीके से हो सकता है, कि वो डबिंग स्टार्ट करने वाले हैं कि उन्होंने डबिंग कंप्लीट कर लिया है और वो सीजन को टीवी पे देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो भाई इसका अभी बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है कि डबिंग स्टार्ट हुई या एंड हो चुकी है हिंदी डब की। जैसे हिंदी डब कंप्लीट होता है हमें देखने को मिल जाएगा पोकेमॉन सीजन 16। वैसे तो हमें अप्रैल से पहले पहले दिखा दिया जाएगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है रीज़न पहले। और भाई जो टाइमिंग होगी वो मोस्ट प्रोबेबली 3 बजे वाली होगी, क्योंकि अभी के टाइम पे 2 सीजन आए और दोनों सीजन की टाइमिंग यही रही है। और ये नहीं पता यार प्रोमो आएगा नहीं आएगा, इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। बाकी यार आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमें साथ सके वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।